तरबगंज किंधौरा में स्वपटमेश्वरी प्रसाद शुक्ला क्रिकेटर टूर्नामेंट के उद्घाटन में पहुंचे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। सांसद ने कहा, खेलों से खिलाड़ियों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। खेलों से बीमारियों में लगने वाले नाजायज पैसों को बचाया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि विनय कुमार सिंह उर्फ बबलू प्रधान ने कहा कि शिक्षा व खेल दोनों का विकास होना आवश्यक है। इस अवसर पर सांसद ब्रजभूषण शरण ने खेल का आरम्भ स्वयं बैटिंग करते हुए किया। मैदान चाहे खेल का हो या राजनीति का, आप और आपके खिलाड़ी मैदान मारने में सफल हो ही जाते हैं, इसके पीछे कोई वजह? जो मैंने अभी बताया कि हर व्यक्ति का सबसे पहले होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है जी, और एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है जी, और फिर उसे हासिल कैसे किया जाए। तो दुनिया में कोई काम असंभव है नहीं, संभव। आपने सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा और स्वास्थ्य को दिया, विशेष रूप से खेल को, इसके पीछे क्या वजह है? किसी ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है जी। और आज करोड़ों जी या कई करोड़, आप देखिए कि हर परिवार से कितना पैसा दवा के नाम पर निकल रहा है। चौराहे चौराहे पर मेडिकल की दुकानें खुली हुई, ये सब रोका जा सकता है। इसको रोकने का एकमात्र साधन है खेल जी। खेल को लेकर के आगामी योजनाएं क्या हैं आपकी? हमारी योजनाएं तो बहुत चलती रहती हैं। अभी तो हमारी आगामी योजना ये है कि 2020 में ओलंपिक में मेडल कुश्ती में। सर, एक राजनीति से जुड़ा हुआ, अभी पिछले दिनों गठबंधन हुआ है, इस पर क्या कहेंगे, खासतौर से यहाँ की राजनीति को लेकर के? देखिए, ये गठबंधन बहुत दिनों से चर्चा में है जी, और ये ऐसे लोगों का गठबंधन है जो आकंठ रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जी। तो एक तो भ्रष्टाचार से बचने के लिए, और दूसरा अपना अस्तित्व इनका राजनीति में बना रहे जी, इसके लिए इन्होंने बेमेल गठबंधन किया है जी। जैसे जब बाढ़ आती है तो कई ऐसे जानवर जो एक दूसरे के शत्रु होते हैं छप्पर पर जाकर के बैठ जाते हैं जी, जी, और इंतज़ार करते हैं पानी घटने का, और जब पानी घट जाता है तो उतर करके फिर लड़ने लगते हैं। तो ये कुछ उसी प्रकार का गठबंधन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।